प्यारे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? खूब अच्छे हैं? पढ़ाई खूब अच्छी चल रही है? खूब अच्छे से प्रिपरेशन हो रही है और होनी भी चाहिए, है ना? क्योंकि अब वैसे भी टेंशन लेकर के पढ़ाई आपको करनी नहीं है। जितनी पढ़ाई हमने कर ली उसका केवल रिवीजन और टेस्ट, बस यही दो पे फोकस करना है। तो होप आप लोग बहुत अच्छे से कर रहे हैं और कर रहे होंगे। बाकी अगर कोई ऐसे गाइडेंस की जरूरत है तो मैंने पहले भी कहा है और मैं अभी भी कह रही हूँ, और बच्चे कॉल करते भी हैं, मैसेज भी करते हैं, गाइडेंस उनको प्रॉपरली जो है वो मिल रहा है और प्रॉपरली मिलता रहेगा। तो आज मैं आप लोगों के सामने जो आई हूँ, कुछ दो तीन पॉइंट्स, अगेन आपको पता है कि कुछ पॉइंट्स मेरे दिमाग में जो है कुछ खुराफात चलता रहता है, उसकी वजह से मैं आप लोगों के सामने आती हूँ। सबसे पहली बात ये कि जो ऑल इंडिया मॉक टेस्ट हुआ था 3rd नंबर का, उसकी बात करूंगी मैं। उसमें कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण क्वेश्चंस रीशफल हो गए थे। आप लोगों ने देखा होगा जो क्वेश्चन का पेपर का जो फॉर्मेट होता है, 25 क्वेश्चंस आर्ट एंड कल्चर हिस्ट्री के, 25 क्वेश्चन आपके जो है वो ज्योग्राफी के, देन उसके बाद जो है वो 100 क्वेश्चन आपके लाइब्रेरी साइंस और कंप्यूटर के आते हैं। बट जो अभी पेपर आया था, मैंने खुद ने सॉल्व किया था, ये बात और है कि माइनस में मेरे मार्क्स गए, बट मैंने खुद ने सॉल्व किया था, तो उसमें रीशफल हो गए थे क्वेश्चंस। कुछ लाइब्रेरी के, कुछ कंप्यूटर के, देन फिर कुछ कल्चर के आ रहे थे, फिर बीच में कुछ ज्योग्राफी के आ रहे थे। तो अब ये थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई थी, बट इसमें भी आई एम वेरी हैप्पी कि जो भी प्रॉब्लम्स आई थी, प्रॉब्लम के बावजूद भी बहुत सारे बच्चों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। कुछ क्वेश्चंस के ऑप्शन में भी प्रॉब्लम आ गई थी, ये मैंने देखा कि जो आंसर की हमारी थी उस की के अलावा कुछ आंसर्स भी मुझे लग रहा था रीशफल हो गए हैं। कुछ 5-6 क्वेश्चंस के आंसर तो मुझे खुद दिखने में लग गए, तो वो मैंने देख लिया था, बाकी मुझे नहीं पता। लेकिन अच्छे स्कोर बच्चों के आए हैं तो मैं ये कह सकती हूँ कि ज्यादा प्रॉब्लम नहीं रही होगी ज्यादा क्वेश्चंस में, बट कुछ क्वेश्चंस में ये प्रॉब्लम्स थी। तो इन क्वेश्चंस को जो है चेक करके जब हम आपको पीडीएफ प्रोवाइड कराएंगे, तो पीडीएफ में हम कोशिश करेंगे कि उसको करेक्ट करके हम आपको दे सकें, और उसको करेक्ट करके ही हम देंगे। तो अभी मेरे पास जो है टॉप 3 जो हमारे हैं टेस्ट के, जो टॉप 3 स्कोरर हैं उनके नाम मेरे पास हैं। सबसे पहले रंजीत कुमार जी, आपको बहुत बहुत बधाई हो। देन भूम सिंह जी हैं सेकंड पे हैं, और मुकेश सैनी 3rd पे हैं। तो रंजीत जी, भूम सिंह जी और मुकेश जी, आप लोगों को बहुत बहुत बधाई हो। और इस टेस्ट से मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। खुशी मुझे इस बात की मिली कि 50% के ऊपर जितने बच्चों ने भी टेस्ट दिया है उनमें से 50% बच्चों ने जो है, 50% से ज्यादा ही बच्चों ने अब 150 मार्क्स जो है वो स्कोर किया है। तो ये कहने का मतलब ये है कि अगर आप एक रैंडम टेस्ट के अंदर 50% के अबव मार्क्स स्कोर करते हैं, और वो भी फुल मॉक टेस्ट के अंदर, तो ये कहीं ना कहीं आपकी बहुत अच्छी प्रिपरेशन को शो करता है, आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी है। तो पहला पॉइंट तो मेरा ये था कि फुल मॉक जिन्होंने भी दिया बहुत अच्छा है, वेल अटेम्प्ट, आपने अच्छा अटेम्प्ट किया, एंड गुड लक मेरे तरफ से कि और अच्छा आप आगे के पेपर्स को कीजिए। दूसरे पॉइंट पे आऊंगी। दूसरा पॉइंट जो हम 50-50 क्वेश्चंस का जो हम डेली 2 पेपर पोस्ट कर रहे हैं, तो जो लोग नए हैं जिनको नहीं पता है, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये 2 पेपर जो पहले हमने ऑलरेडी करा दिया है वही पेपर हैं। हर दिन हम 2-2 पेपर आपको इसलिए पोस्ट कर रहे हैं कि आपकी जो पहले आपने पेपर कर रखा है, कुछ गलतियां थी, कुछ प्रॉब्लम्स थी, तो आप अगेन वापस उसको करो, तो आपकी प्रैक्टिस और अच्छी और मजबूत होती जाए। तो आपकी प्रैक्टिस को मजबूती देने के लिए हम वापस से उसको करवा रहे हैं, अनलिमिटेड अटेम्प्ट्स के साथ है। खूब करो, खूब पेपर्स को करो, जितनी बार इच्छा हो उतनी बार करो। लेकिन कुछ समस्याएं इसके अंदर भी हैं। जब स्टार्टिंग में पेपर जो है वो डाला गया था, स्टार्टिंग में, चूंकि मैंने पहले भी आपको बोला है कि जो ऑनलाइन पेपर जाता है उसमें मेरे पास किसी भी तरफ से कोई हेल्प नहीं है। लाइब्रेरी साइंस का कोई भी एक्सपर्ट इस पेपर को ना तो देखता है, ना ही वो इसको कभी करेक्ट करता है, ना ही मुझे गाइड करता है। जो जितने पेपर्स मैंने लाइब्रेरी साइंस के आप लोगों के लिए डाले हैं, इस पे पूरी की पूरी मेहनत मेरी है। मैंने कंपाइल किया है, मैंने कट पेस्ट किया है, मैंने उठाए हैं, मैंने टाइप कराए हैं, मेरे द्वारा ये एप्लीकेशन पे आ रहा है। स्टार्टिंग में मैंने कुछ 4-5 पेपर्स जो है वो रैंडमली एक ही किताब से उठा लिया था, एंड उस किताब में बहुत ज्यादा गलतियां हैं, बहुत ही ज्यादा गलतियां थी क्वेश्चंस में, तो वो कुछ गलत गलत आ गए थे। इस वजह से हमने स्टार्टिंग के कुछ 10-11-12 पेपर्स के जो है वो सोल्यूशन,
YouTube पे ही जो है उसके वीडियो डाल रखे हैं, तो आपको अगर उन पेपर्स में किसी क्वेश्चन के ऑप्शन में आंसर में अगर कोई डाउट होता है तो आप YouTube पे उन पेपर्स के सॉल्यूशन को जरूर देखिए। जब उसके सॉल्यूशन को आप देखेंगे तो आपके जितने भी डाउट उस क्वेश्चन को लेकर के हैं वो क्लियर हो जाएंगे। तो मेरा दूसरा पॉइंट ये है कि जो डेली टेस्ट आपका चल रहा है उसमें स्टार्टिंग के जो कम से कम 10-11 नंबर तक के पेपर्स हैं, अगर उनमें कहीं कोई मिस्टेक होता है तो आप उसके आंसर्स का रेफरेंस यूट्यूब के वीडियोस से लीजिए। तीसरे पॉइंट पे आते हैं, अभी मैं 2-3 दिनों से जो है वो कुछ YouTube के पोस्ट और Facebook के पोस्ट और WhatsApp पे कुछ पोस्ट देख रही हूँ जिसमें एग्जाम की तिथि को आगे बढ़ाने के लिए बहुत सारे लोग आंदोलन कर रहे हैं। जो 29 तारीख की डेट आई हुई है उसमें तिथि को बढ़ाने के लिए लोग आंदोलन कर रहे हैं और उसमें पूरे जो है वो जितने भी उनको इश्यूज रखने हैं, जितना भी कंटेंट उनको टाइप करना है, पूरे कंटेंट को टाइप करने के बाद उन्होंने नीचे सीधा सीधा श्री समृद्धि क्लासेस लिखा हुआ है। तो मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं कि श्री समृद्धि क्लासेस यानी कि मैं डॉक्टर किरण सिंह पहले भी एग्जाम को पोस्टपोन कराने के फेवर में नहीं थी और आज भी एग्जाम को पोस्टपोन कराने के फेवर में नहीं हूं। मैंने पहले भी आप लोगों को बोला है जो विद्यार्थी पहले से तैयारी कर रहे हैं उनके हिसाब से उनको अगर देखा जाए तो एग्जाम होना चाहिए, लेकिन मैंने आपको ये भी कहा है कि जो नए स्टूडेंट्स हैं कमीशन ने अगर उनका फॉर्म भरवाया है तो इंस्टेड ऑफ एग्जाम आप पोस्टपोन कराइए। कमीशन को कोई ऐसा रास्ता निकालना चाहिए, कोई ऐसा मिडिल पाथवे निकालना चाहिए कि वो बच्चे भी 29 का एग्जाम दे सकें। तो एग्जाम को पोस्टपोन कराना कतई मेरा कभी भी उद्देश्य नहीं रहा है। हाँ, जो बच्चे अपियरिंग में हैं या जिनका रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हुआ है उन बच्चों को 29 को कैसे अपियर कराया जाए इसके ऊपर मंथन करने की आवश्यकता है, इसके ऊपर काम करने की आवश्यकता है। और इसके लिए मैंने कई लोगों को बोला भी था कि अगर ऐसी बात होती है तो हम चल करके साथ में बात कर सकते हैं, बट इस बात को अदरवाइज लिया गया है। एग्जाम पोस्टपोन कराने वाले माहौल को जो एक तरीके से अनशन करना, धरने पे जाना एंड ये सब बातें करके अगर श्री समृद्धि का नाम नीचे आ रहा है तो श्री समृद्धि कभी भी धरने को प्रमोट नहीं कर रहा है, कभी भी इस तरीके की चीजों को प्रमोट नहीं कर रहा है। कमीशन से एक शांति वार्ता की उम्मीद है, शांति वार्ता उनसे कर सकते हैं और वो कैसे कर सकते हैं ये बैठ करके सबको मिलजुल के बात करने के लिए है। टैश में आकर के या अग्रेसिव होकर के आपको भी पता है कभी कोई काम नहीं हुआ है, तो पोस्टपोन कराना इज नॉट अ सॉल्यूशन। पोस्टपोन करा रहे हैं तो आप उन बच्चों को सोचिए जिन बच्चों ने 2 साल पहले से अपनी तैयारी स्टार्ट करी थी, वो और अभी कितना तैयार होंगे। अभी जून में बिल्कुल उनकी अच्छी तैयारी थी, अचानक पता चला कि एग्जाम नहीं होगा। आज की डेट में अभी भी बहुत अच्छी तैयारी है उनके, और अगर ऐसा होता है कि उनका एग्जाम नहीं होता है तो वो बच्चे तो वैसे ही मेंटली वो तो बीमार हो गए। फिर तो हम बच्चों का करियर बनाने की बजाय हम तो बच्चों के करियर के साथ खिलवाड़ करने की बात कर रहे हैं। मैं कोचिंग संस्थान चलाती हूँ, कोचिंग संस्थान चलाने का कतई ये मतलब नहीं है कि हमेशा कमाई और कमाई ही एक सोर्स होना चाहिए। नो, नॉट एट ऑल। कमाई तब होती है अगर कोचिंग संस्थान में कमाई की भी आवश्यकता है, तो कमाई इस हिसाब से देखना चाहिए कि एग्जाम लग जाना चाहिए, बच्चे छट गए, फिर नई वैकेंसी आए, नए बच्चे आएंगे, कोचिंग ऑटोमेटिक चलेगी। ऐसा नहीं होता है कि बार 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 एग्जाम को पोस्टपोन करते रहिए और कोचिंग्स में एडमिशन्स आपके बढ़ते रहेंगे। तो जो लोग इस तरीके की बातें सोच रहे हैं वो गलत सोच रहे हैं और गलत वे में सोच रहे हैं, वो बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। कुछ एक बच्चों के लिए हम इतने सारे बच्चों के करियर को दांव पे नहीं लगा सकते हैं। बच्चे कहाँ कहाँ से आते हैं, जॉब में है, छुट्टियां लेकर के आ रहे हैं, गाँव से हैं, कहाँ से कहाँ कहाँ बैठ करके तैयारी कर रहे हैं, इतना सीरियसली पेपर दे रहे हैं। मैं तो कम से कम मेरे इस पे एप्लीकेशन पे देख सकती हूँ कि 4000 बच्चे सीरियसली पेपर को दे रहे हैं। तो अब 4000 बच्चों की तैयारी मुझे तो दिखती है ना कि 4000 बच्चे इतने बढ़िया से तैयारी कर रहे हैं, बेहतरीन तैयारी कर रहे हैं, और इस तैयारी के बाद अगर उनको पता चलता है कि एग्जाम नहीं होने वाला है तो उन बच्चों की मनोस्थिति, मेंटल स्टेटस क्या होगा ये शायद कोई नहीं समझ सकता है। जो सामने देखता है ना, मैं देखती हूँ बच्चों को ना, मैं देखती हूँ तो मुझे ये पता है, ठीक है। और जहां तक रही बात उन बच्चों को सपोर्ट करने या ना सपोर्ट करने की, जिस दिन एग्जाम की डेट निर्धारित हुई थी उसी दिन मैंने एक नया बैच स्टार्ट किया। आप बिलीव कीजिए मेरे बैच में 267 बच्चे उस दिन मौजूद थे।
267 बच्चों को क्लास में हमने अनाउंस किया था कि ऐसे बच्चे जो अपियरिंग में हैं या जिनका रिजल्ट अवेटेड है या जो अभी फॉर्म भर रहे हैं, तो ऐसे बच्चे जितने भी हैं आप एक बार रुकिए, हम आप लोगों से बात करना चाहते हैं। बच्चे रुके, 100 के करीब बच्चों की लिस्ट आई। दूसरे दिन चूंकि एक मुहिम चल रही है, मुहिम में जो है कि एक कोचिंग संस्थान है, उनके डायरेक्टर जो है वो इग्नू में जो है वो कुछ अपना अपनी बात को रखना चाहते थे या कुछ करना चाहते थे, तो उन्होंने बच्चों को जो है वहां पे बुलाया। मैंने अपने यहाँ बैच में अनाउंस कर दिया उन बच्चों को कि आप लोगों को अगर कुछ ऐसा इशू होता है तो चूंकि आप लोगों को वो सपोर्ट कर रहे हैं, खुला सपोर्ट कर रहे हैं, तो आप लोग जाइए वहां पे, देखिए कि वहां पे क्या हो रहा है। तो बच्चों को वहां पे, अगर बच्चों को प्रॉब्लम थी, अगर बच्चों के साथ इशू था और जेन्युइनली उनको पेपर देना था, नहीं था, पोस्टपोन कराना था या कुछ भी कराना था, तो उनको वहां पे जाना चाहिए था। कौन गया वहां पे? 100 के ऊपर स्टूडेंट्स थे मेरे यहाँ, मात्र एक बच्चा वहां पे गया था। तो एक बच्चा अगर वहां पे गया, तो अगर एक ही वहां पे गया, फिर किस मुंह से वो ये एक्सपेक्ट करते हैं कि कोई उनका साथ देगा? कोई साथ क्यों देगा? जब आपका काम है, जब आप अपना जिगर नहीं रख पा रहे हो, आप अपना समय नहीं निकाल पा रहे हो, आप अपनी लड़ाई को बुलंद नहीं कर पा रहे हो, आवाज को खोल नहीं पा रहे हो, तो आपके आगे कौन आवाज को खोलेगा? कोई नहीं खोलेगा। और डेट को पोस्टपोन कराने की बात तो कभी भी नहीं सोची गई है, मेरे साइड से तो बिल्कुल भी नहीं सोची गई है। अभी मैंने थोड़े दिन पहले, 2-3 दिन पहले कमल जी का स्टेटमेंट भी देखा था, एंड आई वॉज फीलिंग रियली वेरी हैप्पी, मुझे बहुत अच्छा लगा था। उन्होंने भी ये सेम प्रोसेस जो मेरे दिमाग में ये जो विचार चल रहा है उन्हीं के ऊपर बात की कि 29 को जो डेट है उस डेट को ना पोस्टपोन किया जाए, बल्कि कुछ ऐसा एक बीच का रास्ता निकाला जाए जिससे जो हमारे अपियरिंग वाले या रिजल्ट अवेटेड वाले स्टूडेंट्स है वो भी एग्जाम को दे सके, वो भी इसमें अपियर हो सके। तो अगर किसी बच्चे के अंदर ऐसी बात है, कोई ऐसा ऐसा बच्चा जो पहले से तैयारी कर रहा है, उसके दिमाग में आए कि श्री समृद्धि वाले जो है ऐसा विचार रखते हैं, तो नहीं बेटा, मेरे साइड से कोई ऐसा विचार नहीं है। और ऐसे बच्चे जो अपियरिंग में हैं वो ये सोचे कि मैडम बिल्कुल चाह रही है कि 29 को एग्जाम हो ही जाए, मैं बिल्कुल चाह रही हूँ, लेकिन मैं आप लोगों का भी सोच रही हूँ, मैं ये चाहती हूँ कि एग्जाम हो लेकिन आप लोगों के लिए भी कोई ना कोई रास्ता निकाला जाए और आप लोगों को भी उसमें शामिल किया जाए। तो ये तीन बातें थी, इन तीन बातों को डिस्कस करने के लिए मुझे आपके सामने आना बहुत जरूरी था और मैं आप लोगों के सामने आई। ये थोड़ी सीरियस बातें हो गई और सीरियस थोड़ा सा फेस को सूट नहीं करता मेरे, तो ये बातें हम यहीं पे ड्रॉप करते हैं। अब हम चौथी बात पे आते हैं, अपने सबसे प्यारे प्यारी वाली बात पे आते हैं। अभी मैं क्या करूंगी कि एवरी वेंसडे एंड एवरी सैटरडे कुछ टॉपिकल टेस्ट पे हम जाते हैं, ठीक है, टॉपिक वाइज कुछ टेस्ट हैं, उन टॉपिक वाइज टेस्ट को हम लोग करते हैं, जितना हो सकेगा देखेंगे कितना कर सकते हैं अपन, बट टॉपिक वाइज उस टेस्ट को करेंगे बुधवार और शनिवार। यानी कि बुधवार और शनिवार के अलावा जो रेगुलर हमारे दो पेपर आ रहे हैं 50-50 क्वेश्चंस के, आपको वो पोस्ट होंगे, लेकिन बुधवार को जो है एक नया टॉपिक यानी कि यूनिट वाइज हम लोग लेकर के चलेंगे। फर्स्ट यूनिट से कुछ क्वेश्चन हो सकते हैं, देन शनिवार को हो सकता है हम फोर्थ यूनिट से कुछ क्वेश्चन ले लेंगे। तो हम क्वेश्चंस को शफल करके किसी एक ही यूनिट के 100 क्वेश्चन प्लस 50 क्वेश्चन जीके के, ठीक है, किसी एक यूनिट के 100 क्वेश्चन और 50 क्वेश्चन जीके के मिला के 150 क्वेश्चन का एवरी वेंसडे एवरी सैटरडे आपका टेस्ट कराएंगे। तो अब आप लोग उसके लिए रेडी होइए, ठीक है, रेडी। अच्छा, कौन से डे में कौन से यूनिट का टेस्ट होगा ये मैं आपके YouTube कम्युनिटी पे जो है वो डाल दूंगी। जैसे अभी बुधवार को टेस्ट होना है तो मैं कल आपको मैसेज डाल दूंगी कि बुधवार को कौन सी यूनिट का होने वाला है। सैटरडे को जो टेस्ट होगा उसके लिए मैं आपको फ्राइडे को मैसेज डाल दूंगी कि सैटरडे को इस यूनिट से होने वाला है। तो थोड़ा सा हम कोशिश कर लेते हैं 100-100 क्वेश्चंस पूरे के पूरे यूनिट से अपन लेके चले, फिर कंपोजिट का और लास्ट में चल के देख लेंगे कि कैसे कर सकते हैं। तो ये एक काम देखते हैं, शुरू करते हैं, इसमें कितनी सफलता मिलती है, कितना आप लोग सहयोग करते हैं, कितना आप लोग इसको शिद्दत के साथ निभाते हैं, कितना इसमें इंटरेस्ट लेते हैं। जितना इंटरेस्ट लोगे, जितने अच्छे से करोगे, फिर आगे जो है मेरी हिम्मत और बढ़ेगी। जैसे मैंने अभी पेपर आप लोगों का कराया और मुझे बहुत खुशी मिली कि तकरीबन 50% के ऊपर बच्चे, अगर 50% मार्क्स के ऊपर ही गेन कर रहे हैं, दैट मीन्स बच्चे कर रहे हैं, और मुझे आप लोगों का साथ नहीं छोड़ना चाहिए और मैं छोड़ूंगी भी नहीं।
मैं आप लोगों का पेपर करा करा के करा करा के करा करा के करा करा के इतना आपको परफेक्ट कर दूंगी कि मैं थर्ड ग्रेड की गारंटी नहीं लेती, मैं सरकारी की गारंटी नहीं लेती, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप लोग एक अच्छे लाइब्रेरियन बने, एक अच्छे पुस्तकालय अध्यक्ष बने। सरकारी बनोगे नहीं बनोगे ये तुम्हारा अपना भाग्य है बच्चों, सीधी सी बात है, मैं सीधी सीधी बातें करती हूँ, सपना दिखाने का मेरा कोई काम नहीं है। पुस्तकालय अध्यक्ष में सरकारी बनना डिपेंड्स ऑन यू, लेकिन पुस्तकालय अध्यक्ष बनना ये मैं आपको सुनिश्चित कर सकती हूँ कि आप पुस्तकालय अध्यक्ष बन सकते हैं। ठीक है, तो आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखिए, अपडेट्स को हमेशा देखते रहिए, जो भी अपडेट्स आपके पास आ रहे हैं उनको हमेशा और हमेशा देखते रहिए, और हमेशा प्यार से रहिए, मोहब्बत से रहिए, मुस्कुराते हुए रहिए, टेंशन फ्री स्ट्रेस फ्री होके रहिए। पढ़ाई जितनी होनी थी अब आपकी हो चुकी है, अब आप बहुत ज़्यादा डेप्थ में जाने की कोशिश मत कीजिए। जिन्होंने अभी तक पढ़ाई स्टार्ट नहीं की है उनके लिए यही राय है कि अब आप पॉइंट्स उठा के फैक्ट्स को तैयार करने की कोशिश करो, पूरा का पूरा थ्योरी पढ़ने की कोशिश मत करो। ठीक है, फैक्ट्स को उठा के तैयार करो, क्योंकि लाइब्रेरी के फैक्ट्स तो तैयार करने में फिर भी आपको कम समय लगेगा, लेकिन जीके के जो फैक्ट्स हैं वो आपके तैयार नहीं होंगे। और मैं आपको गारंटी के साथ बता सकती हूँ कि जो लोग भी आपको गाइड करेंगे, जितने भी मेंटर्स हैं, जितने भी टीचर्स हैं लाइब्रेरी के अंदर आपको गाइड करने वाले, हर कोई केवल और केवल लाइब्रेरी को ही पढ़ने के लिए बताता है। लेकिन मैं आपको फिर ये बात कहती हूँ कि सिलेक्शन आपका पूरा का पूरा जीके के ऊपर निर्भर है। लाइब्रेरी तैयार करने से आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता है, आपका सिलेक्शन जीके के 50 क्वेश्चन और कंप्यूटर के 20-22 क्वेश्चन जो आएंगे उस पे निर्भर करता है। क्योंकि जो लाइब्रेरी पुस्तकालय अध्यक्ष के लिए लाइब्रेरी साइंस का जो कोर्स है वो कम या ज्यादा सभी बच्चों का लगभग लगभग सेम सा तैयार है, लेकिन वेरिएशन क्वेश्चंस में भी जो आते हैं वो जीके के अंदर आते हैं। हो सकता है आपने बहुत अच्छे से मेले तीज त्योहार तैयार कर रखे हैं, लेकिन क्वेश्चन जो है आपके मास महीनों पे आ जाए, तो वो कौन सा बच्चा तैयार करेगा? जो तैयार करेगा वो उसको कर पाएगा। तो वेरिएशन ज्यादा नहीं होता है बच्चों, जितने भी एग्जाम्स हमारे होते हैं ना उनका जो कोर होता है, कोर हर बच्चा पढ़ता है, जो कोर सब्जेक्ट्स होता है ना, कोर सब्जेक्ट्स की तैयारी हर बच्चा करता है, लेकिन उस कोर के साथ जो हमारे कंबाइन या कोऑर्डिनेटेड सब्जेक्ट्स होते हैं उनकी तैयारी पे बहुत ज्यादा फोकस नहीं देता है। और उन्हीं कोऑर्डिनेटेड सब्जेक्ट्स में आपके कुछ 10-12 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपका सिलेक्शन कराते हैं या आपको सिलेक्शन से बाहर ले जाते हैं। तो जितना समय आप लाइब्रेरी को दे रहे हैं दीजिए, कोई बात नहीं, लेकिन जीके का भी प्रॉपर 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 शेड्यूल बनना चाहिए। जीके के प्रॉपर शेड्यूल को बनाइए, खूब क्वेश्चंस निकालो, खूब अच्छे से उसके प्रैक्टिस करो, खूब अच्छे से प्रैक्टिस करो, कि इतना प्रैक्टिस कीजिए कि आपसे कहीं पे कोई फैक्ट मिस ना हो, क्योंकि फैक्ट के ऊपर ही ये पूरा आपका एग्जाम जो है वो डिपेंड है। कंसेप्ट के क्वेश्चंस बहुत कम आएंगे, ठीक है, कंसेप्ट बेसिस क्वेश्चंस आपके बहुत कम है। फैक्ट्स को अगर सीधा सीधा अगर आप तैयार भी कर लेते हो, अभी की सिचुएशन में रट भी लेते हो, तो भी एग्जाम आप पास करने के लिए तैयार हो जाएंगे। और अभी आपको स्ट्रैटेजी यही फॉलो करनी चाहिए, बहुत ज्यादा समझना नहीं है, जो पढ़ रहे हो वो दिमाग में याद होना चाहिए, ठीक है, यहाँ पे वो चीज आपके बिल्कुल बैठी होनी चाहिए, क्योंकि एग्जामिनेशन हॉल में यही जाने वाला है। अपन कॉपी नहीं ले जा रहे हैं, अपन कोई भी गाइड नहीं ले जा रहे हैं, किसी की कोई पुस्तक नहीं ले जा रहे हैं, हमारी अपनी नोटबुक नहीं ले जा रहे, कुछ भी नहीं ले जा रहे, हम केवल और केवल ये लेके जा रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे यहाँ कितना स्टोर हो रहा है, यहाँ का स्टोरेज हम कितना नीट एंड क्लीन रखते हैं कि हमारे जो तथ्य हैं जितने हैं वो बहुत अच्छे तरीके से फिक्स हो जाए। तो अगर ये स्टोरेज आपका बहुत अच्छे से आप रखते हैं, गार्बेज फ्री रखते हैं, तो पढ़ा हुआ आपके पास हमेशा ये तैयार रहेगा, और आप उसको फिर एग्जामिनेशन हॉल में जाएंगे तो फैक्ट की ही जरूरत है, सीधा सीधा फैक्ट देखो और ऑप्शंस को टिक करो, ठीक है। तो आज का मेरा गुरु ज्ञान आपके लिए इतना ही है, ठीक है, आप अपने से अच्छे से तैयारी कीजिए। कल मैं आपको कम्युनिटी पोस्ट में डाल दूंगी कि परसों कौन से यूनिट का हम आपको जो है 100 क्वेश्चंस डालने वाले हैं विद 50 क्वेश्चंस ऑफ जीके, तो 150 क्वेश्चन कौन से यूनिट से आपके आने वाला। अच्छा, जीके का मैं यूनिट नहीं बता सकती, क्योंकि जीके इतना डायनेमिक है कि उसको यूनिट वाइज टेस्ट कराना बहुत मुश्किल है, तो जीके तो रैंडमली मैं कहीं से भी आपके डाल दूंगी, बट लाइब्रेरी का हम यूनिट वाइज रखेंगे, तो वो कल मैं आपको डाल दूंगी। पोस्ट को हमेशा देखते रहिए,
सब्सक्राइब करके रखिए, अगर नहीं सब्सक्राइब कर रखा है। वैसे तो आप लोग बहुत प्यारे प्यारे क्यूटी 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 हैं आप लोग, क्योंकि आप सभी लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है और बहुत प्यार मोहब्बत से आप लोग चैनल को देखते हैं, अच्छे अच्छे कॉमेंट्स करते हैं, तो मुझे रिप्लाई करना भी बहुत अच्छा लगता है। मैं समय निकालती हूँ रिप्लाई करने के लिए। बाकी कोई दूसरे भी आप लोगों के साथ हैं, आप उनको भी ये चीज़ ज़रूर बोलिए। कभी भी अपने मन में नेगेटिव ख्याल मत लाइए हमारे लिए। जैसे मुझे बहुत अच्छा लगा, मेरे को एक बच्चे ने फ़ोन भी किया, व्हाट्सएप पे मैसेज भी डाला, जो मैंने आपको बोला कि मैसेजेस आ रहे हैं श्री समृद्धि क्लासेस के लिए। लिटरली मैंने कल बिल्कुल मैसेज नहीं देखा था, उस बच्चे ने मुझे फ़ोन किया कि मैडम कोचिंग का नाम आ रहा है, हमारे कोचिंग का नाम कैसे आ रहा है। तो उसने मुझे बोला, मैंने कहा नहीं बेटा ऐसी कोई बात नहीं है, इसके पहले के वीडियो में ऑलरेडी मैं बोल चुकी हूँ कि 29 को एग्जाम होना चाहिए, आप तैयारी करो, मैंने स्ट्रेटजी बताई है, उसके अकॉर्डिंग मैं टेस्ट करानी, तो पोस्टपोन कराने का तो मैं बिल्कुल अपने से कह नहीं सकती, क्योंकि मेरे मन में ये बात नहीं है। तो उसने मुझे बोला, फ़ोन किया, मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप लोग कंसर्न है। फिर उस बच्चे ने वहाँ पे फ़ोन किया कि अगर मैम नहीं कह रहे हैं तो आपने उनका नाम कैसे डाला, एंड उसकी प्रॉपर रिकॉर्डिंग मेरे को भेजी है, मुझे बहुत अच्छा लगा। रियली आई एम वेरी हैप्पी, थैंक यू जिसने भी ये किया है, दिल से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग मुझे इतना चाहते हैं, इतना प्यार देते हैं, मुझे इतना सम्मान देते हैं, आई एम रियली वेरी हैप्पी। एंड हमेशा ये प्यार बना रहे आप लोगों का, मेरी गाइडलाइंस हमेशा आप लोगों के काम आए, पॉजिटिवली काम आए। इनफैक्ट कभी भी दिल में आप नेगेटिव मेरे लिए बिल्कुल मत लिया कीजिए, क्योंकि मैं कभी नेगेटिव आप लोगों के लिए बिल्कुल नहीं होती हूँ। तो आप लोग हैं तो मैं हूँ, और मैं हमेशा आप लोगों के लिए हूँ, तो हम दोनों को कभी एक दूसरे के लिए नेगेटिव नहीं होना है, जो बातें वो क्लियर हो जानी चाहिए। सो ऑल द बेस्ट, कीप इट अप, अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए, तैयारी कीजिए, परसों के पेपर को फिर हम देखते हैं। परसों का जो भी जैसा भी होगा, उस पेपर के टॉप 10 को जो है मैं अनाउंस कर दूंगी आपके आगे वाले वीडियो में। ओके बाय।